अस्सलामुअलैकुम, हम बनाने वाले हैं आज चिकन सीख मलाई बिरयानी। बिल्कुल भटियारा स्टाइल बनाने वाले हैं हम, जिसके लिए मैंने 1.5 गिलास बासमती चावलों को आधे घंटे के लिए सोक करके रखा था पानी में। सिंपल हम जैसे बिरयानी के चावलों को बॉईल करते हैं उसी तरह 90% बॉईल कर लेंगे। एक स्टारफुल, एक चम्मच ज़ीरा, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 3 तेज़पत्ते डालेंगे। पानी उबल जाने के बाद उसमें तेल और नमक और चावल और खड़े मसाले डालकर हम उसको उबाल लेंगे। तो ये मैंने कीमा लिया है, चिकन का कीमा है 1/2 किलो। अगर आप कीमा भी ले रहे हैं तो भी मसालों के साथ एक बार आपको उसे ग्राइंड करना पड़ेगा, और अगर आप बोनलेस चिकन ले रहे हैं तो भी उसको ग्राइंड कर लीजिए मसालों के साथ। तो सबसे पहले हम मसालों को जार में डालेंगे। 1 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप किया है, 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1/2 मुट्ठी पुदीना और 6 हरी मिर्चें ली हैं। इन सारे मसालों को हम जार में डाल देंगे। अगर आपकी हरी मिर्चें तेज़ है तो आप कम लीजिए। अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून लिया है कुटी हुई लाल मिर्चें। कुटी हुई लाल मिर्चें भी काफ़ी तेज़ होती है, इसलिए आप तेज़ अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो चिकन का कीमा हमने लिया था उसको भी इसमें शामिल कर देंगे और इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, पीस लेंगे इसको। तो ये देखिए, एकदम फाइन पेस्ट कर लिया है कीमे का, अच्छी तरह से सारे मसाले पीस चुके हैं। अब हम इसमें कोयले का धुआं देंगे। तो कोयले को मैंने साइड में गरम करने के लिए रख दिया है गैस पर, तो सेंटर में हम जगह बना लेंगे। उसमें मैंने फॉइल पेपर रखा है, कोयले को रख देंगे इसमें। 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और इसको लीड से कवर करके 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो ये देखिए, हमारे राइस भी अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। देख सकते हैं आप कितने खिले खिले बने हैं हमारे चावल। तो इसी तरह के चावल चाहिए हमें। अब हम इसको साइड में रख देते हैं और हमारा क्रीमी मिक्सचर बनाकर रेडी करते हैं। क्रीमी मिक्सचर बनाने के लिए मैंने 1/2 कप मायोनेज़ लिया है और 1/2 कप मैंने अमूल फ्रेश क्रीम ली है। आप चाहें तो घर की जमी हुई गाढ़ी मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ का मेजरमेंट 1/2 कप लिया है मैंने। अगर आप 1 कप ले रहे हैं तो सारी इंग्रेडिएंट्स आपको 1 कप ही लेने हैं। 1/2 कप दही डालेंगे। आप चाहे तो इसमें बादाम का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 15 बादामों को भिगोकर उसके छिलके उतार ले और उसका पेस्ट बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। और 1/2 कप दूध डालेंगे। ये मैंने 1/2 कप चीज़ लिया है, ग्रेटेड शेडर और प्रोसेस दोनों मिक्स है, आपके पास जो भी है आप वो डाल सकते हैं। तो इन सारे क्रीमी मिक्सचरों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि दही क्रीम वगैरह आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, मिक्स कर लिया है, इसको हम साइड में रख देते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं, इसमें कोयले की स्मोक आ चुकी है, इसको रिमूव कर देंगे कोयले को। हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब जितनी आपको बड़ी सीख बनानी है या छोटी बनानी है उसके हिसाब से आप ले लीजिए कीमे को, और इस तरह से सलिए में डालते हुए हल्के हाथों से प्रेस करते हुए थोड़ा लंबा कर लीजिए। तो ये देखिए, सीख हमारी बनके रेडी है। तो हम इसी तरह से बनाते जाएंगे और साइड में रखते जाएंगे। तो ये सारे सीख मैंने बना लिए हैं। अब हम इसको ग्रिल पैन में फ्राई कर लेंगे, ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद सीख को रख देंगे। 6 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, फ्लेम लो रखनी है। तो ये देखिए, 6 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हमारे सीख बन रहे हैं। तो इनकी साइडों को हम चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पर भी 6 मिनट पका लेंगे। और खुशबू तो बहुत लाजवाब आ रही है सीख की इस वक्त।
तो ये देखिए दूसरे साइड से भी पक चुका है, तो इसकी किनारियों को भी इस तरह से टर्न करते हुए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। सीख हमारे बनकर रेडी है, इसको हम उतार लेंगे डिश में। अब हम हमारा मलाई वाला मसाला बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने तेल लिया है, उसमें हम आलूओं को फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से मैंने पीसेस में कट किए हैं आलूओं को, आप चाहें तो फ्रेंच फ्राइज की जैसे भी कट कर सकते हैं। तो आलूओं को हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। मैंने नमक लगा लिया था आलू पर, इससे फिर आलू में अच्छा टेस्ट आ जाता है, फीके फीके नहीं लगते आलू। तो हर साइड से चेंज करते हुए इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे हम। आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेंगे। उसी तेल में हम जावित्री के टुकड़े लिए हैं मैंने छोटे से, दो दालचीनी के छोटे टुकड़े, 3 हरी इलायची और 10 से 15 काली मिरी डाली है। गरम मसाले हल्के से तड़क जाने के बाद 3 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था और इसको हम डाल देंगे। बिरिस्ता वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, कच्ची प्याज का यूज़ करेंगे हम इसमें। तो प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन भी हो जाए और सॉफ्ट भी हो जाए, ये देखिए इसी तरीके से। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेना है इसका कच्चापन ख़त्म होने तक। तो ये देखिए अच्छी तरह से अदरक लहसुन को भूनने के बाद 1 चिकन क्यूब डालेंगे, 1.5 चम्मच काली मिर्चें, 1 चम्मच गरम मसाला और 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक कम ही डाला है क्योंकि चीज़ भी सॉल्टेड होती है और चिकन क्यूब में भी नमक होता है, तो हल्का सा इसको हम सॉटे कर लेंगे। अब जो हमने क्रीमी मिक्सचर बनाया था इसको हम डाल देंगे। याद रखें कि क्रीमी मिक्सचर डालते वक्त फ्लेम आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया और लाजवाब हमारी बिरयानी बनने वाली है ये, तो इसका टेस्ट वही बता सकता है जिसने इसको खाया होगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है बिरयानी का। तो ये देखिए फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और जल्दी जल्दी चम्मच चलाते हुए सारे मसालों को मिक्स कर लेना है, वरना आपका दही क्रीम वगैरह फट भी सकते हैं। तो बॉईल आ जाए जब इसमें, तब हम आधा कप इसमें पानी डाल देंगे और इसको मिक्स करके इसमें भी उबाल आने देंगे। ये 2 हरी मिर्चें डाली है मैंने तोड़कर, थोड़ा स्पाइसीनेस आ जाएगा इसमें हरी मिर्चें डालने से। तो इसमें हम उबाल आने देते हैं। तो ये देखिए उबाल आ चुका है, लीड से कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स और बहुत ही मज़ेदार लाजवाब हमारी मलाई वाली ग्रेवी बनकर रेडी है, ये देखिए। तो अब हम इसको उतार लेते हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून पानी लिया है, इसमें 1 बूंद केवड़ा एसेंस डालेंगे। केवड़ा एसेंस की खुशबू काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए सिर्फ 1 बूंद ही डालेंगे, ज़्यादा मत डालिएगा वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा बिरयानी का। इससे भटियारे जैसी खुशबू आएगी बिरयानी में और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। तो सबसे पहले हम चावलों की लेयर लगाएंगे, उसके बाद हम क्रीमी मिक्सचर जो हमने मलाई वाली ग्रेवी बनाई थी वो सारी हम इसमें डाल देंगे। तो ग्रेवी हमने डाल दी है, थोड़ा फैला लेंगे ताकि हर तरफ ग्रेवी चली जाए। अब हम इसमें डाल देंगे आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे। आलू साइड साइड में डालने से ये होता है ना कि जब हम सर्व करते हैं तो निकालने में इजी पड़ता है। और ये अब हम सीक के लेयर लगा देंगे, सीक को थोड़ा प्रेस कर लेंगे ताकि ग्रेवी तक चली जाए। थोड़ा हरा धनिया डालेंगे, बिरिस्ता वगैरह इस वक्त कुछ नहीं डालना है, सिर्फ हरा धनिया डालेंगे और जो बाकी के हमारे चावल बचे हैं वो पूरे हम इस पर डाल देंगे। ये देखिए हमारे चावल कितने खिले खिले हैं।
आप केवड़ा वाटर जो हमने बनाया था वो डाल देंगे, 1 टीस्पून देसी घी डालेंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ, और तली हुई प्याज डालेंगे, बिरिस्ता, अगर आपका बिरिस्ता नहीं है तो आप उसको अनियन को फ्राई कर लीजिए तेल में और उसका बिरिस्ता बनाकर डाल दीजिए। अब हम इसको दम दे देंगे, 5 मिनट मीडियम गैस पर दम देंगे और 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो ये देखिए 25 मिनट हो चुके हैं, इस तरीके की धुआं निकलनी चाहिए आपकी बिरयानी में से। तो बहुत ही अच्छे से दम हो चुकी है, खुशबू तो लाजवाब है इसकी और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। जब आप इसको बनाएंगे और बनाकर खाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कितनी लाजवाब बिरयानी है। तो ईद पर, शादियों में इसको बनाया जाता है, तो आप ईद में इसको बनाकर खा सकते हैं या दावतों पर बनाकर खा सकते हैं। तो ये देखिए सीख हमारी मलाई वाली बिरयानी बनकर रेडी है, इसको हम डिश आउट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन को दबाने से मेरी आने वाली हर नई रेसिपीज़ की वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने मिलेगी। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।